मेरे को एक लड़की कॉल की, उसका बॉयफ्रेंड पता है कम से कम 10 लड़कियों के साथ सोया होगा, और फुल प्रूव्ड है वो लड़की बताई मुझे, ठीक है, भेजी भी प्रूफ, फिर भी ये लड़की बोल रही है सर वही चाहिए। मैं बोला क्यों? सर प्यार करती हूँ ना, आप नहीं समझते हो, मैं प्यार करती हूँ ना, तो मेरा बॉयफ्रेंड दूसरी के साथ सो भी जा रहा है तो सिर्फ घपा घपी तो कर रहा है, तो मैं उससे अभी भी बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ सर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु, और आज का टॉपिक है कि ऐसे पार्टनर को निकाल के फेंक दो। इस टाइप के पार्टनर को अपनी जिंदगी से, अपने लाइफ से निकाल के फेंक दो। अब किस टाइप का पार्टनर का मैं बात कर रहा हूं, वो पूरा वीडियो देखोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एकदम लाइक हो जाना चाहिए, 400 टारगेट रखा हूं, लाइक हो जाना चाहिए 400 लाइक, शेयर भी करना भाई, सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आगे बढ़। यार देखो, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि रिलेशनशिप में नोकझोंक, मन मुटाव, रूठना मनाना, ठीक है, नाराजगी, तो ये कॉमन है, होता है, ठीक है। हमेशा परफेक्ट नहीं चलेगा रिलेशनशिप, डैमेज हल्का सा होता है, एफर्ट कीजिए, नो कॉन्टैक्ट, साइलेंट, या थोड़ा अपना DPP चेंज करके, ठीक है, या खुद को कैरियर फोकस दिखा के, मतलब जो भी वो सब साइकोलॉजिकल टेक्निक होता है जो मैं वीडियोस में बताता हूँ, वो सब अप्लाई करके अपना रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, थोड़ा गैप मेंटेन करके, ताकि पार्टनर आपका वैल्यू समझे, ठीक है। आप एफर्ट्स ही कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप उस फेज में जा रहे हो कि आपको एकदम चाटना पड़ रहा है, गिर गिराना पड़ रहा है, प्लीज, ठीक है, उस जोन में जाने से बचने बोल रहा हूं, क्योंकि वो एक दलदल है। एक बार गिर गिराना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, उसके बाद आप खो जाओगे, गिर गिराते ही रहोगे। उस समय कोई ज्ञान भी देगा ना आपको कि यार पार्टनर के पीछे क्यों लगे हुए, ऐसे मत करो, सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन करो। आपको ऐसा, आप ना उसी को गाली दे दोगे, चल 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 ज्ञान मत दे, मैं क्या अपनी बंदी को ऐसे ही जाने दे दूं, मैं अपने बंदे को ऐसे ही जाने दे दूं। भाई कितना बांध के रखोगे, जाने वाला ऐसे भी जाएगा, समझ रहे हो, नियत में खोट होगा, या जो असल में आपका था ही नहीं, बस आपको लगा कि वो मेरा है, असल में वो था नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में सबका रिलेशनशिप अच्छा चलता है, कुछ साल कुछ महीनों के बाद औकात दिखने लगती है लोगों की, समझ रहे हो। मेरे को सब जो भी भाई कॉल वॉल करते रहते हैं, जो भी क्लाइंट, सब सर स्टार्टिंग में तो मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था सर, हाँ वो मेरे लिए ना खाना बनाती थी, हाँ ओयो में खाना बना के लाती थी, मैं खाता था सर, हाँ सर, ठीक है, बहुत लड़कियां सर, सर वो ना बहुत मेरे लिए मेरा केयर किया था, हाँ सर मेरे हॉस्पिटल के बिल्स भी दिया था, फिर मैं पूछा हॉस्पिटल का बिल भी दिया था, वो बोलती है जी सर, मैं बोला कि अच्छा कितना दिया था, सर 250 रुपया दिया था, अब बताओ, समझे। तो स्टार्टिंग में सब एक दूसरे के लिए एफर्ट, हेलो बेबी कैसे हो, तबीयत खराब है आपको, अच्छा अच्छा आप सो जाओ, आपको निन्नी आ रही होगी ना, निन्नी, साला घर में चीनी खत्म हो गया है, अब बाबू सुनो निन्नी आ रही होगी ना, निन्नी सो जाओ, समझ रहे हो। एफर्ट चलो ठीक है, हल्का सा एफर्ट ठीक है, लेकिन मान लो कि एकदम एफर्ट करो और पार्टनर इतना घटिया है आपको कुछ समझ नहीं रहा है, ठीक है, मतलब आपका सेल्फ रेस्पेक्ट इतना डाउन करवा दिया वो, मतलब रुला रहा है आपको से, तो ऐसे पार्टनर को भाई मारो पिछवाड़ा पे लात, ठीक है, अब सच में मत मार देना, मैं बस बोल रहा हूँ कि हटाओ, ठीक है, वैसे पार्टनर को अपनी जिंदगी से हटाओ। और जो पार्टनर बहुत नार्सिसिस्ट टाइप का है, सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही ज्यादा घमंडी, मतलब ऐसा लग रहा है उसको, ऐसा लगता है कि वही है सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया में, बाकी तो भाई बेवकूफ है, ठीक है, एकदम ईगो तो एकदम चरम सीमा पे है, मतलब ऐसा चरम सीमा पे है कि आपको तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। ऐसे ऐसे लड़के हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे लड़कियां हैं जो भाई अपने ही लवर को, मतलब वो पांव भी पकड़ रहा है फिर भी भाई अकड़ में, तो ऐसे पार्टनर को जाने दो, क्योंकि किसी तरह यह शादी भी कर लेगा ना, उसके बाद भाई जिंदगी झंड कर देगा आपकी। बहुत लोग होते हैं कि अपने ही पार्टनर को, पार्टनर के मम्मी पापा को गाली देते हैं, तो ऐसे पार्टनर को भी जाने दो। बहुत लोग होते हैं जो अपने पार्टनर से पैसा लूटते रहते हैं, ठीक है, तो डार्क साइकोलॉजी करके कि यार पता है मैं खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ यार, हाँ काश कोई होता मेरा पार्टनर जो मुझे भी खर्च करता, मेरे पे भी खर्च करता, मतलब टोंट, इनडायरेक्ट वे टोंट मार रहा है, तो आप फिर उसको देने लगती हो या पैसे देने लगते हो, ठीक है। अब एक तरफा ले रहा है, ठीक है, लौटा भी दो, एक तरफा लूट रहा है, 50,000 60,000 आते हैं कॉल,
ऐसे ऐसे रिलेशनशिप है कि डेढ़ साल का रिलेशनशिप में ना 7-7 लाख रुपए दे चुका है पार्टनर। हालांकि अच्छा कमाता है, लेकिन फिर भी भाई भारत में डेढ़ साल के अंदर ठीक है कोई 7 लाख अपनी बंदी को दे रहा है, समझ लो। और बंदी भाई दूसरे के साथ सो गई, भूल गई इसको, अब किस बेसिस पे वापस पैसे आएंगे? क्या पुलिस में जाएगा? है अधिकतर चीज तो कैश दी है, बताओ 2.5 लाख तो सिर्फ कैश दिया था, कहां से भाई को कहां क्या? अब पुलिस खुद बोलेगा भाई तेरी बंदी थी तू दिया है, हम लोगों के पास क्यों आया है, बताओ, समझ रहे हो। और ऐसे पार्टनर को भी जाने दो जो लॉयल नहीं है, ठीक है। बहुत लोग हैं सर वो दूसरे के साथ सो गया, सर सर वो दूसरे के साथ सो गई, छोड़ो ना सर सो ही तो गया मैं, ठीक है आई स्टिल लव हर आई स्टिल लव हिम, समझ रहे हो। बस यही सब कुछ लोग हैं जो एकदम माफ कर देते हैं, दरिया दिली वाले दरिया दिली दिखाते हैं, सो ही तो गई, मैं शरीर से ऊपर भी तो सोचता हूँ, सो गई रहने दो ना फिर भी वही चाहिए। अरे बेटा उसका सिर्फ शरीर नहीं सोया दूसरे के साथ, पहले उसने अपना मन को सुलाया। आपकी बंदी अगर दूसरे के साथ सो गई ना तो वो पहले उसका मन दे दी, अपना मन दे दी दूसरे को, फिर उसका शरीर सोया है। शरीर की बात नहीं है, पहले उसने उस तीसरे इंसान को अपना मन दे दिया, आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड, तभी जाके उसने अपना शरीर दिया, समझ रहे हो। ऐसा थोड़ी हो, कोई वो थोड़ी है भाई मेल प्रोस्टिट्यूट या फीमेल प्रोस्टिट्यूट की एक बार में ही पैसा ले के सो रहा है, वो भी प्यार में गई, वो भी प्यार में गया तभी सोया होगा। नॉर्मल अट्रैक्शन भी बोल लो तो एक तरह का प्यार ही मानेंगे। इसलिए जो लॉयल नहीं है, देख लो कि भाई दूसरे के साथ एकदम उल्टा सीधी उल्टा सीधा बात कर रहा है, ठीक है, अब दूसरा का मतलब एक तरह का धोखा दिया, भाई ऐसे लोगों को फिर भी जबरदस्ती अपने लाइफ में रखोगे तो भाई किसी तरह शादी कर भी लेगा ना तो भाई वो इधर उधर भाई मुंह मारेगा, ठीक है। अब उसके मुंह मारने को तुम झेल सकते हो तो भाई आपका स्टेमिना है, आपका कैलिवर है, ठीक है। बाकी मैं तो भाई पिछवाड़ा पे लात मार दूं, ठीक है। अब अधिकतर आप लोग होंगे जो इस चीज को झेल नहीं पाओगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या आप लोग उस चीज को सहन कर पाओगे कि अगर आपका बॉयफ्रेंड दूसरे के साथ सो गया, अगर आपकी गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ सो गई, आप क्या करोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या आप फिर भी उसको प्यार करोगे, उसके साथ रिलेशनशिप में रहोगे या भाई छोड़ दोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं भी तो देखूं भाई कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना कि मेरी बंदी अगर सो गई तो मैं ये करूंगा, मेरा बंदा अगर सो गया तो मैं ये करूंगा, ब्रेकअप करूंगा या फिर भी उसको माफ कर दूंगी, ठीक है। आपका भाई आपका चॉइस है, ठीक है। मैं कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या लिखते हो, आप जो भी लिखो, बस मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे पार्टनर को भी मतलब निकालो अपने लाइफ से जो शादी को टाल रहे हैं, यार मम्मी पापा हो सकता है नहीं माने, यार हाँ यार इंटरकास्ट है। अरे भाई जब तुम मेरे साथ सो रहे थे उस समय इंटरकास्ट का नहीं पता चला था, उस समय तुमको सस्पिशन नहीं था कि हमारी शादी होगी कि नहीं है। अभी जब शादी का टाइम आ गया और मैं तुम्हें प्रेशर कर रही हूँ, प्रेशराइज कर रही हूँ कि कर रहा हूँ शादी के लिए, तो तुम भाई अलग ही गीत गा रहे हो कि यार पापा पता है मेरे को जान से मार देंगे, इंटरकास्ट है यार नहीं हो पाएगा। अब आप पूछो कि तो मैं क्या करूं, यार मैं क्या बोलूं, मूव ऑन ही करो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा मूव ऑन करने में। अब कुछ कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं, खासकर लड़के लोग, जो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि यार देखो मैं तुमसे शादी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शादी के बाद मैं चाहता हूं तुमसे मिलते रहूं, तुमसे प्यारी प्यारी बातें करते रहूं, ठीक है। शादी में भले दूसरे शादी कर लूं लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे जिंदगी भर बेइंतहा मोहब्बत करूंगा। अरे बेटा अपनी बीवी का भी तो सगा हो जाओ, हैं मेरे को तो चीट किए ही, अब तुम अपनी बीवी के भी तो सगे हो जाओ, शादी के बाद भी तुम मेरे से मिलोगे, सब कुछ करोगे। और पता है अफसोस की बात यह है कि कुछ लड़कियां भी इस चीज में एग्री कर जा रही है, बॉयफ्रेंड को बोल दे रही है अच्छा तुम यार देख लो तुम शादी भले उससे करोगे लेकिन सच में मेरे से मिलोगे ना, मिलोगे ना और मेरे से बेइंतहा मोहब्बत करोगे ना, समझ रहे हो। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि लड़के दूध के धूले हैं, सॉरी सिर्फ लड़के ही घटिया, लड़कियां पूरी दूध की धूली, ऐसा नहीं है। एक से एक लड़की भाई घटिया है दुनिया में, समझ रहे हो, एक से एक लड़कियां भाई इतना मतलब भाई शर्म आनी चाहिए, ठीक है, कि आप
आपको आपका बॉयफ्रेंड भले ही आपसे शादी नहीं किया, लेकिन भाई आप तो उसकी फ्यूचर वाइफ के साथ गलत कर रही हो ना, गलत कर रही हो कि नहीं? बॉयफ्रेंड का इतना लालच, ठीक है, कर्मा मिलेगा भाई, भयंकर कर्मा मिलेगा। समाज को गंदा कौन करता है? ऐसे ही सोच के लोग, ऐसे ही यही लोग समाज को गंदा करते हैं। अरे ठीक है ना, बॉयफ्रेंड नहीं किया शादी, ठीक है, एफर्ट की नहीं हुआ, आपका बॉयफ्रेंड ही घटिया था, अपना लो, ठीक है, नहीं तो केस करना चाहती हो करो, वो भी तो कहां करती है, कहां करती हो केस, ठीक है। अब आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड दूसरे का अगर हो गया तो भाई वही फुल स्टॉप मारिए। लेकिन आप लोग फिर भी, यार तुम शादी के बाद बदल गई, तुम्हारी बीवी यार तुम्हें तो भाई, तुम तो सेक्स करते होगे, तुम तो यार ये करते होगे, मेरे को तो भूल गए। अब वो बॉयफ्रेंड, ठीक है, जो दूसरे शादी कर लिया, फिर भी हाँ हाँ मैं मिल रहा हूँ, मतलब वो आपसे फिर मिल रहा है, बताओ। समाज को यही लोग गंदा कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई तो क्या करोगे भाई, है ना, कचरा कचरा। फिर मतलब सोचो, मतलब इतना पागल है उस लड़के के लिए कि मतलब वो शादी भी कर लिया ना, फिर भी भाई उसके पीछे अटके हुए हैं, उसके पीछे लटके हुए हैं। सोचो मतलब क्या बना लियो खुद को, जिंदगी को क्या, कितना घटिया बना चुके हो। आपको तो ईगो में लेना चाहिए कि साला मेरे से तू शादी नहीं किया है, और तू शादी के बाद बोल रहा है फिर भी मेरे साथ तू रहेगा या रहेगी, वहीं पे आपको कट करना चाहिए, ईगो पे लीजिए। फिर भी एक्सेप्ट, अच्छा तुम शादी के बाद फिर भी मिलोगे ना, अच्छा यार लेकिन तुम तो अपनी वाइफ को टाइम दोगे, दोगे ना टाइम, फिर मेरे को कैसे दोगे। अब बॉयफ्रेंड को क्या है, लड़कों का क्या है, वो तो भाई घर वाली भी मिल रही है, बाहर वाली भी मिल रही है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं सोच रही हो कि आप भी कभी शादी करोगी, समझो कभी तो शादी करोगी, फिर उस समय आपको मूव ऑन होने में टाइम लगेगा। इसको क्या बोलते हैं पता है, बीमारी। लोग बीमार हो रहे हैं, ये पगला रहे हैं, पागल हो रहा है लोगों का। ऐसे पार्टनर को भी निकाल के फेंक दो जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, फ्लक्चुएट इन द सेंस आपके लाइफ में कभी आ रहे हैं फिर कभी जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, दो महीना ठीक चले, ठीक है, उससे फिर गायब। अब वो गायब हो गए, ठीक है, आप अपना मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन फिर वो आ गए तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हो, मतलब आपका वो माइंड सेट बनने ही नहीं दे रहा, मतलब आपको लटका के रख रहे हैं। तो ऐसे पार्टनर को भी अपनी जिंदगी से निकाल के फेंको, ये एक तरह का टॉक्सिसिटी ही होता है। कभी आ रहा है जा रहा है, साला मतलब ढंग से जीने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब बहुत लोग हैं खास, मतलब क्या मैं बोलूं, लड़का लड़की, लड़के हो चाहे लड़कियां हो भाई, दोनों दोनों के साथ हो रहा है। मतलब लड़का इधर मूव ऑन कर रहा है, 3 महीने हो गए एकदम, अब फट से वो लड़की का हेलो कैसे हो यार तुम तो भूल ही गए, उल्टा यही बोल रही है तुम तो भूल ही गए। या कभी लड़कियों को लड़के मैसेज करते हैं यार तू तो भूल ही गई, अब लड़की इधर भाई ट्रिगर हो गई, ट्रिगर इन द सेंस आ गया उनको भी इंटरेस्ट वापस से, ठीक ठाक मूव ऑन हो रही थी, लेकिन लड़का इधर आए कर दिया, बस पुराना प्यार फिर से जो क्या बोलते हैं तरोताजा हो गया, उसके बाद भाई रिलेशनशिप फिर से कैरी ऑन, अब फिर लड़का गायब, अब फिर भाई फिर अब ये सोच रही मूव ऑन कर रही थी और अब तो ये आया फिर चला गया, फिर से मूव ऑन करूं क्या, तो मूव ऑन करने का मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है, तो ये लोग डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत लड़के डिप्रेस्ड हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो जो आपको अटका के भी रख रहा है वैसे पार्टनर को भी निकाल के फेंको, क्योंकि ऐसे पार्टनर आपका ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब ऐसे पार्टनर को भी निकाल के फेंको जो आपसे बहुत झूठ बोलते हैं, ठीक है, हैं कहीं और बेंगलोर में है लेकिन तुमको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो भाई अब हैदराबाद में हूँ, अब बताओ, अब बेंगलोर में, अब बेंगलोर में दूसरे के साथ घपा घप कर रहे हैं। झूठ बोलने वाला पार्टनर भी भाई घटिया, छोटा मोटा झूठ, एक जैसे मान लो कि आप एवरेज लुक की हो या एवरेज लुक की हो, लेकिन आपका पार्टनर झूठी तारीफ कर रहा है, यार अच्छी लग रही हो, आपको मोटिवेट करने के लिए ये चलता है, ठीक है। मान लो आप साड़ी पहनी, इसको ठीक ठाक लगी साड़ी, लेकिन फिर भी वाओ मस्त लग रही है, क्योंकि ये आपका मॉरल बूस्टअप करना चाह रहा है, या ये एक पॉजिटिव चीज ही है, इसमें चलता है हल्का झूठ बोलना। लेकिन वो सो रहा है दूसरे के साथ, लेकिन आपको बोल रहा है नहीं यार तुम बेमतलब का शक कर रहे हो, नहीं मैं किसी के साथ नहीं सो रहा, अरे यार कैसे बात कर रही यार, अरे यार मैं लॉयल हूँ यार, तुम यार ट्रस्ट, या तुमको ट्रस्ट इशू है यार, नहीं यार तुम्हारी इनसिक्योरिटी का मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे पार्टनर को भी भाई जाने दो, क्योंकि जिंदगी झंड कर देगा ऐसा पार्टनर, समझ रहे हो। छोटा सा लालच और थोड़ा सा लालच में मत फंसिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म का देखिए, लॉन्ग टर्म, आगे का 50-55 साल
उसके साथ गुजारना है जो आपको अच्छे से तसल्ली दे, जो आपके लिए एकदम अच्छा हो, ठीक है। अभी लेकिन बस वो पार्टनर वही चाहिए, मतलब कितना घटिया वो दिख ही नहीं रहा है। वो आपकी अभी 2-2.5 साल का रिलेशनशिप है, या चलो 5 साल का रिलेशनशिप है, बाद में पता चलो सच में घटिया है। तो ये 5 साल का रिलेशनशिप के लिए आप आगे का 50 साल नहीं देख रहे हो। मैं तो ताजुब हो गया, मेरे को एक लड़की कॉल की, उसका बॉयफ्रेंड पता है कम से कम 10 लड़कियों के साथ सोया होगा, और फुल प्रूव्ड है वो लड़की बताई मुझे, ठीक है, भेजी भी प्रूफ। फिर भी ये लड़की बोल रही है सर वही चाहिए। मैं बोला क्यों? सर प्यार करती हूँ ना, आप नहीं समझते हो, मैं प्यार करती हूँ ना, तो मेरा बॉयफ्रेंड दूसरी के साथ सो भी जा रहा है, तो सिर्फ घपा घपी तो कर रहा है, तो मैं उससे अभी भी बेनती हाँ मोहब्बत करती हूँ सर। फिर मैं बोला कि लेकिन वो तो सो रहा है दूसरे के साथ, तो क्या हो गया? मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूं, शरीर से भी ऊपर कोई चीज होती है ना सर। तो मैं बोला ठीक है, तब पता नहीं उस लड़की के लाइफ में क्या चल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे लोग को मैं क्या समझाऊंगा? वो क्लाइंट मुझे पैसा दे रहा है, मैं काउंसलर हूं, 1 घंटा में बात करूंगा, मैं अपना बेस्ट ही दे सकता हूं क्लाइंट को। अब क्लाइंट ही ओवर स्मार्ट है, वो बहुत ही ज्ञानी पहले ही से है, ठीक है, तो भाई क्या कर लोगे आप? मैं क्या उसे घर जाके बोलूंगा हेलो आप ऐसे मत कीजिए, ये बोलूंगा नहीं ना। तो वही बात है, अब जो समझदार है भाई समझेंगे, नहीं तो फिर जो ज्ञानी लोग हैं तो ऐसे ही करते रहेंगे। छम्मा छम्मा बजरे मेरी पहनी, समझो। तो चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारो, 400 टारगेट रखा हूँ भाई, लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, और लाइक मारो भाई, कौन कौन लाइक नहीं मारे हो भाई, अधिकतर लोग नहीं मारे होंगे, एकदम लाइक हो जाना चाहिए, शेयर करो दबा के भाई, कहीं भी फेंक दो, कहीं भी पार्टनर के साथ शेयर भी फेंक देना, मतलब शेयर का बटन भी भाई इधर उधर, मतलब ये वीडियो पटक दो कहीं भी, ठीक है, शेयर पे जाके साला व्हाट्सएप व्हाट्सअप जहां भी जो मिले साला पटक दो ये वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लेना, मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, कॉल बुक कराना चाहते हो भाई, काउंसलिंग फी लगेगी, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, मैं 1 घंटे बात करता हूँ, या फिर मेरा वेबसाइट है www.oscarlovguru.com, वहां से भी कॉल बुक आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।